गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर 9, वाटर फॉर लाइफ। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो क्या रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है अर्थ पे वाटर ही। पानी बिना तो कोई जीव भी नहीं सकता। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू स्टे अलाइव। और ये जीने के लिए, अलाइव मतलब जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। वी नो दैट 2/3 ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, बट ओनली 30% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर। कह रहे हैं कि हमारा जो 2/3 हमारे पृथ्वी का हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन सिर्फ उसमें 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, बाकी वाटर वो हम यूज़ नहीं करते। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस क्यूब्स। तो ज़्यादातर पानी क्या है, फ्रोजन मीन्स जमा हुआ है, जैसे ग्लेशियर्स के रूप में या आइस कैप्स के रूप में। ओनली 0.3% ऑफ इट्स फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। और जो पानी हम नदियों में, तालाबों में या झरनों में देखते हैं, ये केवल इस पानी का 0.3% ही है। दस ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर आवर यूज। तो इसलिए हमारे यूज़ के लिए बहुत ही छोटा सा पोर्शन पानी का है। अब सोर्सेज ऑफ वाटर, वी गेट वाटर फ्राम डिफरेंट सोर्सेज। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि हम जो हमारे लिए सोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे मेन सोर्स क्या है, वाटर। सबसे ज़्यादा पानी हमें कहाँ से मिलता है, रेन से। द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर आर लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस। तो अदर और सोर्सेज क्या हैं, लेक्स मतलब झील, तालाब, पॉन्ड्स, रिवर्स नदियाँ, सीज समुद्र, ओशियंस भी समुद्र। दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। ये नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर है, मतलब ये नेचुरली बने हुए हैं, पानी इकट्ठा हो गया, लेकिन वो आपने नहीं किया, वो कुदरत ने बना रखे हैं, नदी तालाब सब बने हुए हैं। तो इन ओल्डन डेज, मतलब पुराने दिनों में, पीपल हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। लोगों को बहुत दूर चल के जाना पड़ता था पानी लाने के लिए, टू टेक ए बाथ एंड वॉश क्लॉथ्स। चाहे नहाना हो चाहे कपड़े धोना हो, इसके लिए या तो उन्हें पानी दूर से लाना पड़ता था या दूर जाके ही नहाना और कपड़े धोना पड़ता था। दे यूज़ वाटर फ्रॉम नियर बाई पॉन्ड्स, और वो अपने आसपास के तालाबों का पानी यूज़ करते थे। अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर इंक्लूड्स ऑल वाटर दैट एग्जिस्ट बिलो द अर्थ सर्फेस। अंडरग्राउंड का मतलब ही है कि जो भी चीज़ ज़मीन से नीचे है, तो ऐसा वाटर जो सारा पानी ज़मीन के अर्थ सरफेस के नीचे है वो अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। दिस वाटर कैन बी ड्रॉन आउट इन डिफरेंट वेज। अब इस पानी को बाहर कैसे लाया जा सकता है, ड्रॉन मतलब खींचा कैसे जा सकता है, उसके अलग अलग तरीके हैं। वेल्स, वेल आपने सुना होगा कुएं, जैसे कि आपको ये दिखाया जा रहा है वेल्स। अ वेल इज ए डीप होल इन ग्राउंड वेयर वाटर इज अवेलेबल। तो वेल क्या है, कुआं जो होता है, एक गहरा सा गहरा होल है ग्राउंड में। कुआं आप सबने देखा होगा, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन जो कुआं होता है गहरा होल है जिसमें वाटर अवेलेबल होता है। ए पुली इज़ यूज्ड टू लिफ्ट वाटर, और उसके ऊपर पता है बाल्टी लटका के पानी निकलते हैं, वो पुली है जो यूज़ किया जाता है पानी को बाहर निकालने के लिए। बाई ए बकेट और टाइड टू ए स्ट्रिंग, और एक रस्सी से बांध के। द स्ट्रिंग गोज राउंड द ग्रूव्स ऑफ द पुली टू मेक द बकेट गो डीप इन द वेल एंड देन कम अप अगेन। तो जो ये पुली सी दिखाई दे रही, इस पर रस्सी लटकी होती है, इस पहिए के सहारे से रस्सी नीचे जाती है, इसी पहिए के सहारे से ऊपर हम बाल्टी को खींच लेते हैं और पानी निकालते हैं। और है फिर है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल भी आप सबने गाँव में जो लोग रहते हैं सबने देखा होगा, ट्यूबवेल्स होते हैं। वेन द वाटर इज़ फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड द बेस्ट मेथड ऑफ ड्राइंग वाटर इज़ बाई यूजिंग ए ट्यूबवेल। करें कि जब पानी जो है ज़मीन में बहुत ज़्यादा नीचे होता है, तो उसको बाहर खींचने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ट्यूबवेल। ए बोर इज यूज टू डीप डग एंड पाइप्स आर संक इन इट। एक गहरा सा गड्ढा खोदा जाता है जिसके अंदर पाइप डाली जाती है, और द वाटर इज ब्रॉट आउट थ्रू दीज पाइप्स यूजिंग इलेक्ट्रिक पम्प। और इलेक्ट्रिक पम्प की सहायता से इन पाइप से पानी निकाला जाता है। अब है हैंड पम्प्स। अ हैंड पम्प्स इज़ यूज टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर। हैंड पम्प भी आप सबने देखा होगा, ये तो जगह जगह होते हैं, और इनका यूज़ भी जो ज़मीन का पानी है उसको ऊपर लाने के लिए किया जाता है। नाउ अ डेज वी हैव इलेक्ट्रिक पम्प्स टू पुल द ग्राउंड वाटर। और आजकल इलेक्ट्रिक पम्प्स हैं जिनसे हम पानी खींचते हैं। अब है स्टेबल और बावली। बावली भी एक प्रकार का कुआँ ही है।
तो अबावली इज लाइक ए बिग टैंक विच हैज स्टेप्स ऑन ऑल इट्स साइड. इन अर्लियर टाइम्स बावलीज वेर बिल्ट टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर. कहले कि बावलीज भी एक बड़ा टैंक ही होता है जिसके अंदर जो है स्टेप्स होते हैं, वो सीढ़ियाँ लगी होती हैं ताकि उसके अंदर हम जा सकते हैं. चारों तरफ से सीढ़ियाँ लगी होती हैं. इन अर्लियर टाइम्स पुराने समय में बावलीज वर बुल्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर. बावली बनाई जाती थी, बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते तो जब बारिश हो उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाए. दिस वाटर वॉज यूज बाई द पीपल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज एंड अदर एक्टिविटीज. और ये पानी या नहाने के लिए और कामों के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, जो भी काम है उनके लिए यूज़ किया जाता है. थस बावली प्रोवाइड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर. तो बावली जो है ये लगातार पानी की सप्लाई हमें प्रोवाइड करती है. मोस्ट ऑफ द बावलीज टुडे आर रुइंस. रुइंस मतलब नष्ट हो गई है. तो बहुत सारी बावली जो होते हैं वो नष्ट हो गई क्योंकि उनके अंदर या तो सूखा हो गया, हमने कचरा भर दिया तो जो पानी भर भी रहा वो किसी यूज़ का नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द बावलीज टुडे आर रुइंस. अब पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम. द वाटर इन द टैप्स इन ऑल द हाउसेज सप्लाइड बाई द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम. और आजकल घरों में आपको पता है कि ना तो कुएँ हैं, ना बावली है, ना हैंड पंप है. सबके लिए पानी है, सप्लाई आती है, उस सप्लाई को हम यूज़ करते हैं. तो वो है पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम. और इसके लिए टैप्स में पानी आता रहता है जो पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम द्वारा सप्लाई किया जाता है. द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज इज कलेक्टेड प्योरीफाइड बाई डिफरेंट प्रोसेस एंड सप्लाइड थ्रू पाइप्स इन अवर हाउसेज. ये कहीं से एक जगह से पानी लेते हैं, वाटर बॉडी द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं, फिर इनको प्योरीफाई किया जाता है. उसकी प्रोसेस अलग अलग होती है क्योंकि बड़े स्तर पे ये प्रोसेस की जाती है, पानी ज़्यादा होता है. उसके बाद आपके घरों में ये पानी पाइप्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है. अब है कम्युनिटी सर्विस. इन मेनी विलेज एंड इवन सिटीज पीपल सर्व फ्री वाटर ऑन द रोड साइड. दिस इज़ कॉल्ड पियाओ. कह रहे कि बहुत सारे गाँवों में और शहरों में भी पीपल सर्व फ्री वाटर ऑन द रोड साइड. तो लोग सड़क के किनारे पानी की लेके या कभी घड़े रख देते हैं, कभी नल लगवा देते हैं. तो वो कह रहे हैं कि फ्री वाटर ऑन रोड साइड दिस इज़ कॉल्ड पियाओ. इसको बोलते हैं पियाओ. ये सब आप लोगों को पता है. सम पीपल ऑर्गनाइज फ्री वाटर कैंप्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल. और कभी कभी लोग जो है लोगों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं पानी पिलाने के लिए. लोग सड़क के किनारे लगा लेते हैं ताकि लोगों को पानी पिला सकें गर्मी में. अक्सर ये गर्मियों में ये लगाए जाते हैं कैंप. अब है वाटर फॉर इरीगेशन. इरीगेशन मीन्स आपको पता है इरीगेशन होती है सिंचाई. तो इरीगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप. तो इरीगेशन का मतलब है कि जो है फसलों को पानी सप्लाई करना. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया रियली ऑन द रेंस फॉर द इरीगेशन. कह रहे कि बहुत सारे ज़्यादातर फार्मर जो है किसान हैं वो भारत में सब अपने जो है खेती के लिए या सिंचाई के लिए किस पर निर्भर करते हैं, रेंस पर. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिपेंड ऑन रेंस थ्रू आउट द ईयर. लेकिन साल भर तो रेन नहीं होती है. साल भर तो वो इस पर डिपेंड नहीं करते. रेन का सीजन होता है 3-4 महीने जब होनी होती है, उसके बाद तो बारिश होती नहीं है. सो आर्टिफिशियल मीन्स आर यूज टू इंश्योर टाइमली वेटिंग ऑफ वाटर द क्रॉप्स. इसीलिए हम आर्टिफिशियल जो है तरीके यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी जो फसलों हैं उनको टाइम से पानी दे सकें. डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर. तो जो अलग अलग तरह की फसलें हैं वो अलग अलग तरह के उनकी पानी की जो है मांग होती है. कोई फसल ज़्यादा पानी मांगती है, कोई कम मांगती है. फॉर एग्जाम्पल द राइस क्रॉप्स रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर. तो आपको पता है कि चावल की फसल होती है वो पानी में ही उगाई जाती है. जब उस पानी भर के लगाते हैं उसके बाद वो होती है, उसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है. मिलेट्स डू नॉट रिक्वायर मच वाटर. या ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर. तो मिलेट्स जो होते हैं उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती. वीट रिक्वायर्स ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर. वीट को पानी की ज़रूरत होती है. क्रॉप्स लाइक सुगर केन, रबर एंड टी रिक्वायर्स वेरी लिटिल वाटर. और क्रॉप जैसे हो गई, सुगर केन हो गया, रबर हो गई, टी हो गया, इनको बहुत ही कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है.